नमस्कार मैडम। हाँ, नमस्ते ई मंच पर हमारे सभी दर्शकों का, श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए, चर्चा के लिए, इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, परिचर्चा, चर्चा के लिए द्रुपद पर आज की चर्चा होगी। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मधुचंदा दत्ता जी, आप बनारस से हैं और पंडित ऋत्विक सान्याल जी की शिष्या हैं। आप लगभग 15 वर्षों का गायन का अनुभव द्रुपद का रहा है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत ई मंच पर, और आपने समय दिया इस द्रुपद पर डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए। मैं ई मंच की तरफ से आपको बहुत, आपका बहुत आभारी हूं। और आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं। मैं जस्ट मैडम, क्योंकि गायन में या किसी भी कला में बहुत परिवार का एक अहम रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है कि हम समय निकाल पाए। समय सबके पास उतना ही होता है, अगर परिवार का कोऑपरेशन ना हो, सपोर्ट ना हो, तो शायद हम अपनी कला को आगे ना बढ़ा पाए। और कला खाली कला नहीं होती, हमारा एक पैशन होता है, सब कुछ होता है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके मामले में, आपका, आपके थोड़ा सा परिवार के मामले में, फिर हम चर्चा चालू करते हैं, प्लीज। मैं एक्चुअली हूँ असम से। मैं एक मेरे परिवार भी गाने वाले परिवार है। मेरे ताऊ जी ध्रुपद ही गाते थे कि मैं इतनी छोटी थी और मैं बचपन में गाने बजाने को इतना मैं तवज्जो नहीं देती, सच बताइए तो। मैं थोड़ा सा इंक्लाइन थी अपनी पढ़ाई लिखाई से, और इसलिए मेरे ताऊ जी हमको कहा करते थे, तुमको हम गाना सिखा के जा नहीं पा रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन तुम गाना ही गाना। तब पर भी मैं उनको टालती थी, अच्छा ठीक है आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ऐसा करती थी। पर समय का मांग ऐसा हुआ कि परिवार, हम लोग जॉइंट फैमिली से है, मेरे पापा ताऊ जी दो भाई है, तो हम परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, अचानक से जब सब कुछ फेड होने लगा तो हम लोग को लगा कि नहीं, भाइयों को जरा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने अपना स्ट्रीम ही बदल दी, मैंने गाने को मैंने अपना रोजगार का स्ट्रीम नहीं बनाई थी, ये तो ऑटोमेटिक मैंने, मुझे करना था ये। जब मुझे लगा कि ताऊ जी का डेथ हो गया, तब मुझे टाइम लगने लगा कि शायद मैं, मुझे करना चाहिए ये, हमको और देर नहीं करना चाहिए। और मैं तो सतह मैं इंपॉइंट हो गई गाने के प्रति, और क्योंकि खून में ध्रुपद था। और मैं तब, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं क्या ख्याल किया ध्रुपद, मुझे मुझे कोई वो नहीं था। मेरे ताऊ जी इतना विद्वान थे, उसका तो एहसास मुझे ही नहीं था, उनके 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 बच्चों को नहीं था। मैं तो थोड़ी सी फिर से भाई की बेटी थी, तो मेरा थोड़ा देर में थोड़ा समय लगा, पर वो करना था मुझे ध्रुपद ही। अट्रैक्शन मुझे ध्रुपद में ही था, जो थोड़ा बहुत अच्छा लगता था वो ही लगता था। और आज भी ताऊ जी की बचपन से सिखाया हुआ 2-3 पद अभी भी गा के अपने को मतलब लगता है कि तब अगर थोड़ा सा भी करते तो शायद आज और अच्छा कर लेती। कोई बात नहीं, मैं गुरु बहुत, मैंने मेरा मेरे गुरु मैंने मुझे बहुत प्यार से सिखाए हैं, और फैमिली के सपोर्ट तो मेरा मेरे लिए रहा ही है। क्योंकि जब बोले मैं शादी नहीं करना है, ठीक है शादी नहीं करो, पढ़ना है अच्छा पढ़ो, गाना गाना है अच्छा गाओ, कभी मेरे इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किए मेरे पेरेंट्स को। इसलिए मैं सच में बहुत, मैं उनके वो हूँ कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड बाय माय पेरेंट्स, कि हम हमको उन्होंने कभी बहुत किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं क्रिएट किया। पर क्या बताऊं कि फिर कैसे मैं मतलब, तब मेरे अभी चारों ओर से मैं गाने में ही हूँ, नौकरी भी गाने के करती हूँ, गुरुजी जैसे गुरु मिले मुझे तो, और उन्होंने हमको तबीयत से सिखाया। मैं कितना कर पाती हूँ मुझे पता नहीं, पर उन्होंने, उनका सिखाना मुझे जस्टिस करना चाहिए उनके सिखाने को। फिर और उन्होंने जैसे मुझे बोला कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें,
उन्होंने दो शर्त मेरे सामने रखा था, आप स्टेज के लिए सीखना चाहते हो कि सीखने के लिए सीखना चाहते हो? मुझे तो स्टेज का परवाह आज भी नहीं है सर। तो जी, हमने बोला था कि मुझे सीखने के लिए सीखना है। उसमें मेरी गुरु माता की बहुत रोल था। हमको एक बार गुरु माता ने बोला कि तुमको शादी करना चाहिए, हमने आप शादी के उन्होंने जरा सा प्रयास भी किया अपने से, हमने एक ही शर्त में मैं शादी कर सकती हूँ, आप अगर गुरु जी हमको गाना सिखाएंगे। दैट वॉज माई गुरु जी का मतलब गाना सीखने का मेरा इतना ललक था कि चलो शादी भी कर ले लेकिन गाना तो सीख पाएंगे। पर वो जब उसकी जरूरत नहीं पड़ी, गुरु जी हमको सताई सिखाने शुरू किए। तो आज जो भी है थोड़ा बहुत गाती हूँ उन्हीं के लिए है, और घर का सपोर्ट आज भी मेरे घर के सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे मेरी बहन मेरे भाई लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और गाना मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, लोग सोना सोने के सामान डायमंड के सामान खरीदते हैं पहनते हैं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए होता है, मैं घर में गाना रख के खुश रहती हूँ। यही मेरा जीवन का एकमात्र मकसद है। गुरु जी ने जितना सिखाया वो थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि मेरे विचार के अनुसार मैं कुछ गा पाऊँ, यही मेरा इसमें यही मेरे मेरे रुचि ये कह सकते हैं। क्या बात, और क्या उसका बात। उसके क्या फ्यूचर क्या है वो सोचने का ना मेरे पास फुर्सत है। मैं गाते ही खुश रहती हूँ, मैं 3:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक अनवरत में गाने का ही काम करती हूँ। कितना मैं कर पा रही हूँ, रिजल्ट क्या है, आई नेवर गो फॉर दैट, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। और आगे भविष्य क्या है मुझे पता नहीं है, पर मैं स्टेज के लिए बिल्कुल लालायित नहीं रहती हूँ। अच्छा स्टेज मिलता है गा लेती हूँ, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, मेरे घर जैसा बड़ा स्टेज कहाँ है। क्या बात, क्या बात। सही पूछो तो मैं जहां भी देखता हूं, और आप जैसे लोगों को, आप जैसे महान लोगों को मैं बोल सकता हूं, इसके लिए महान बोलता हूं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जितने लोग सीखे हैं वो शालीनता जो आती है एक गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, और जो एक सोच बदलती है लोगों की, ईगो घमंड तो कहीं नामो निशान नहीं होता है कि घमंड हो। कोई कितना भी 30 साल 40 साल की रियाज हो जाती है, फिर भी किसी कलाकार में मैंने देखा नहीं है कि आज तक वो घमंड करे कि भी ऐसा मेरे पास रेयरली शायद कोई होगा, मैंने तो नहीं देखा है। और जैसा आपने बोला कि परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे पास समय तो उतना ही है, और हम यदि अपनी कला अपनी पैशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो परिवार का बहुत अहम रोल होता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका परिवार सब लोग आपको साथ दिया और आप आज इस लेवल पे हैं। मैडम जहां तक मुझे मालूम है, ध्रुपद जो गायन है ये हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत टफ भी है और बहुत पुराना भी है। एक्चुअली मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा कि ध्रुपद क्या है और बाकी गायकी से ये कैसे अलग है? सर ध्रुपद मैं आपके गुरु से जितना मुझे मिला है, जैसे वो बोलते हैं कि ध्रुपद हम लोग की जीवन शैली है और ध्रुपद हम लोग की थापी है ये ध्रुपद। अच्छा और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हर क्लासिकल म्यूजिशियन को आप पूछिए ध्रुपद ध्रुपद है और क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक। मैं ये मतलब आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, मंच पे गाने वाले शास्त्रीय गायक होते हैं, वो लोग जब बोलते हैं ध्रुपद मतलब लगता है कि मंगल ग्रह से कोई चीज आके गिर गया हो हम लोग के ऊपर। और शास्त्रीय संगीत जैसे है वो आपका ख्याल, तो मैं ये कहना चाहती हूँ ध्रुपद से ही सब कुछ आया है। जी जी ध्रुपद ओरिजिनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हम लोग भूल जाते हैं बार, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मंच में बोलते हुए मुझे सुनाई देता है, क्योंकि मैं उतने औकात वाली इंसान नहीं हूँ, इतना प्रबुद्ध भी नहीं हूँ कि मैं उसको अपोज कर लिया तो मैं कुछ अपना वो रखूँ। लेकिन मेरे गुरुजी बोलते बोलते मतलब उनका पता नहीं वो कितने बोले होंगे कि शास्त्रीय संगीत ध्रुपद ही है जी। मेन जो है मेरा रूट, मेरे रूट हम लोग भूल जाते हैं और ये कहते हैं हम तो क्लासिकल गाते हैं। अरे क्लासिकल गाते हैं, क्लासिकल खाली ख्याल नहीं है, ध्रुपद ही एक्चुअल क्लासिकल है। अगर मैं अपोजिट में मैं कह दूं कि ध्रुपद क्लासिकल है और ख्याल उपशास्त्रीय है, तब आप हमको गोली मार देंगे।
मधुचंद फील्ड तो ऐसा नहीं है, ध्रुपद मैं सबको सम्मान करती हूँ, जैसे ध्रुपद आत्मसात करना कठिन है वैसे ख्याल आत्मसात करना कठिन है, आसान कुछ भी नहीं है। पिक्चर के गाना भी आप एक एक्यूरेट जो लता मंगेशकर जी ने गा के सुना दिया, वो एक्यूरेट गाना इतनी आसान बात नहीं है, गाना गाना ही आसान बात नहीं है। अब पर भी टेक्निकल जो हम लोग टेक्निकलिटीज है उसमें जरा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। क्या शास्त्रीय संगीत, मैं तो शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ भाई, आप क्या सीखती है? ख्याल सीखती हूँ, ख्याल शास्त्रीय संगीत है। और ध्रुपद क्या है? वो जो ओरिजिन है उस आप आपके माँ बाप के नाम भूल जा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि भाई गांव पड़ोस वाले जो जो है उनको वो एकदम बहुत अच्छे हैं, वो तो समान है उनको, उनको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज नॉट डन। वो बगल वाले अंकल भी अच्छे हैं पर मेरे फादर को मुझे भूलने से काम नहीं चलेगा, पहले तो वो प्रणाम में है। अगर आप आपका धरोहर भूल जा रहे हैं जिसमें से रूट निकल के आया है, जो मेरा मेन चीज है उसको आप भूल जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत क्या है? ख्याल है। तो अगर मैं भी आप कह सकती हूँ भाई ख्याल उपशास्त्रीय है, शास्त्रीय है ध्रुपद, तो ये लड़ाई वाली बात नहीं है, ये सोचने की बात है, विचार की बात है, स्टडी की बात है। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, मतलब ना जान के चीज को चीजों के संग तर्क मत करिए, चीज को जानिए। थोड़ा सा कम जानना गलती नहीं है, नहीं जान के आर्ग्यू करना गलत है। और जिस सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट को ही आप देख नहीं रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, क्या क्या दे रहे हो समाज में देने के लिए। खाली आज स्टेज बचा है, कोई देखता नहीं है कुछ आगे पीछे क्या हो रहा है, क्या गा रहे हैं, क्या क्यों गा रहे हैं, पर्पस क्या है, कुछ नहीं देखते। बोलने से तो बहुत बहुत बोलने लगते हैं पर क्या बोल रहे हैं वो भी जरा सा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपकी मंच से, मुझे समझ रहा है कि ये हम शायद कभी भी ना बोल पाते, आपकी मंच से मैं बोल पा रही हूँ कि ध्रुपद ही क्लासिकल म्यूजिक है। ध्रुपद से भी जो लोग आए वो ध्रुपद क्लासिक, ध्रुपद से जो आया है वो ध्रुपद का ही संतान है, सब ध्रुपद से ही ड्राइव होके आया है। तो अगर ध्रुपद क्लासिकल है तभी ख्याल क्लासिकल है, अगर ध्रुपद क्लासिकल नहीं है तो ख्याल भी क्लासिकल नहीं है। तो ये चीज इसमें से इंस्ट्रूमेंट की सारी चीज आया है, सब कुछ आया है उसमें से, पर ध्रुपद जैसा लगता है कहीं और से, तो हम लोग के सिर पे गिर पड़ा है और ख्याल भाई हम लोग की धरोहर है। ऐसा नहीं है, चीज को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, चीज को लेके सोचना विचार करना उस तब स्टेटमेंट में, और पढ़ना भी चाहिए। और मेरे मैं भाग्य से अपने गुरु जैसे शास्त्र में पारंगत वैसे प्रयोग में पारंगत, तो हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा खटकता है क्योंकि जैसे शास्त्र का भी चर्चा करते हैं वैसे ही प्रयोग को भी देखें, तो दोनों का जो तालमेल जो है वो अपनी गुरु परंपरा से थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो मुझे सोचती हूँ हम इसमें से इस लहजे से भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इतने प्रभु इतने अच्छे गुरु मिले हैं। मैं तो सच में उनको नमन करती हूँ, बहुत सारी चीज बस सहजता से हम लोग सीखे हैं, जाने हैं, सीखे क्या है पता नहीं, इतना आत्मसात कर पाए लेकिन कान में बसा पड़ा है कि हाँ दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, इतना 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 बुद्धि के विकास उन्होंने हम लोग को कर दिया, खाली हमको नहीं किए उनके सारे स्टूडेंट कुंभा में ये चीज उन्होंने, ये बीज उन्होंने बो दिया है। मुझे लगता है, मैं मुझे ये चीज एहसास होता है। जी 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 मैडम, चूंकि ध्रुपद इतना टफ है, जहां तक मैंने देखा है जो लोग ध्रुपद गाते हैं सालों रियाज करते हैं उसके बाद कहीं मंच पे आने लायक होते हैं, वो बाकी जो क्लासिकल जो अदर देन ध्रुपद जो गा रहे हैं या सेमी क्लासिकल का तो हम कहीं कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ध्रुपद गायन से, फिर भी आप ध्रुपद के प्रति आपका झुकाव क्यों हुआ और कैसे हुआ? वही जो बोले ना शाही बना, ये खून में है, रॉयल 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 बहनों का जो व्यक्ति वो इंसान को आप पटा कपड़ा पहन के भी आपको रॉयलनेस दिखेगा। वो जो वृत्ति बचपन से बनी है ना अंदर, वो जो वृत्ति है कि बहुत मामूली चीज को अच्छा लगता नहीं, भले मेरे पास डायमंड नहीं है तब पर भी मैं शीशा लटका के मैं उसको डायमंड का रूप दे के घूमना पसंद नहीं करूंगी, नहीं है मंजूर है, पर खराब चीज को बटोर के अपने पास रखने का वृत्ति
कभी नहीं रही, पर हम दूसरे जॉनर को खराब नहीं करते हैं, वो मेरे अपना श्रद्धा है ध्रुपद के प्रति, और है भी वो जेन्युइनली रॉयल है, वो जेन्युइनली वो जो क्लासिकल जो है वो सच में ही क्लासिकल है, सच में ही गुरु जी की कुछ मतलब किस परंपरा के भी बहुत सारे बंदिश है, जैसे एक एक बंदिश में पूरे शास्त्र का वर्णन है, नायक नायिका का भेद है, वीर रस वाले बंदिश है, तो एक एक बंदिश बोल देता है कि उसका रॉयल कितना रॉयल है। तो ये जो है ये जब तक आप उसमें हम लोग घुसेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं उसका, तो उसके जो स्वाद लेना कठिन है, और ध्रुपद का स्वाद जिसको आ गया है वो मुझे नहीं लगता है कि स्टेज के लिए भी उतना लालायित रहेगा, उसको ये पूरा जीवन बीत जाएगा उसको साथ के साथ, और उसको जानते जानते इतना इतना अनफोल्ड होता रहता है, इतना अनफोल्ड होता रहता है कि मुझे तो कभी लगता है कि दो दिन बाद तो मरना है, कर तो कुछ नहीं पाऊंगी, बस समय तो बहुत कम है, पर इसलिए कभी कभी नींद भी खुल जाती है, अरे समय नहीं है, तो ये करना है वो करना है, कर कितना पा रही हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश जारी रहती है कि नहीं। तो बोले ना हाथी, हाथी जब मरता है तो वो भी अपना रॉयल रॉयल रह के ही मरता है, वो भी ऐसे ही नाली में गिर पड़ के नहीं मरता है। तो ये रॉयलनेस जो है ना वो बहुत तकलीफ देता है, वो बहुत मामूली चीज को लेने की वृत्ति कभी नहीं होगा। तो ये मेरे जो भी समझ लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं है, दो तो बंदिश दो तो पद हमको भी आता है, मेरे लिए भी बहुत प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं, अरे एक तो गजल गा दीजिए आपको पैसा तो मिल जाएगा, हम बोला अगर पैसा आपको मैं पैसा दे रही हूँ आप मेरा ध्रुपद सुन के जाइए, टाइम पेइंग आपको पैसा दे रही हूँ आप सुन के जाइए, पर मैं गजल नहीं गाऊंगी, ये नहीं कि मुझे गजल गजल सुनना मना है, ये नहीं है, मेरी वृत्ति नहीं है कि मैं गाऊंगा, मुझे ध्रुपद ही पसंद है, ध्रुपद में ही मैं जीतूं, ध्रुपद ही मैं गाऊं, और मुझे मुझे इतना लालच भी नहीं है कि और थोड़ा बहुत और कुछ गाऊंगी तो पैसा भी कमा लूंगी बहुत, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, कि मेरी वृत्ति में ही नहीं है कि मैं कुछ और गा लूं और कुछ कर लूं, अरे सब लोग तो कर रहे हैं, ठीक है दो रोटी की व्यवस्था भगवान जब दिया है तो मैं क्यों हाय हाय करूं, अच्छी तरह से बैठ के घर में प्रयास करूं, प्रैक्टिस करूं, हो सके तो दो लोगों को सिखा के जाऊं अगर कैपेसिटी है तो, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या बात, इसलिए ध्रुपद मुझे पसंद है उसके रॉयलनेस के कारण, जो एक राजसिक एक वो है, वो हल्का फुल्का चीज नहीं है, और उसको सीखने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, वो आज सीखे और कल मुझे तो नहीं हो सकता, बहुत धैर्य चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है कि आज जितना लोग चाहे वो म्यूजिक सीखना चाहते हैं खुद या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों से एक चीज जरूर अनुरोध करूंगा, हमारे जितनी चर्चाएं हुई हैं, जितना इंटरव्यू हुआ है, जितने गुरु आए हैं, एक ही आज पेरेंट्स की कमी भी हम बोल सकते हैं या हड़बड़ी बोल सकते हैं कि म्यूजिक ऐसी चीज नहीं है कि आप आज बच्चे को टीचर के पास ले जा रहे हो और बोलो कि चार दिन में उसको गायकी चाहिए या वो स्टेज पर आए और परफॉर्म करे, बाकी में शायद कहीं ना कहीं लाइट म्यूजिक या फिल्मी सॉन्ग सीख भी सकता है, ध्रुपद तो एक ऐसी चीज है जिसमें सालों साल रियाज करना पड़ता है, तो रॉयल सोच तो रॉयल पसंद है, और रॉयल पसंद है तो रॉयल पे गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है मैडम। मैं आगे प्रश्न को बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि ध्रुपद में जैसे डागर बाणी है वैसे कितने घराने हैं, और उन घरानों में क्या डिफरेंस है, आप किससे बिलोंग करती हैं, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप शेयर करें। जी मेरे घराने में देखिए, जैसे मैं ऐसे किताब में तो बहुत कुछ रहता है, और ऐसे हम लोग ध्रुपद के तो मेनली चार ही स्कूल हुआ करता था, चार घराना, जी जी, अंदार, नौहर, गौहर और डागर। तो डागर घराने में जो अच्छी बात हमको लगता है वो उस और संपूर्ण लगता है मुझे, जैसे आलाप आलाप के लिए बहुत डागर घराना को आलाप के लिए जाना जाता है, वो जी। इतना सुंदर आलाप करने के ढंग, स्वर लगाने की तरीका, वो धैर्य उसमें समझ में आ जाता है कि इंसान कितना किससे सीखा है और
वो तालीम समझ में आ जाता है, मैं कितना गा पाती हूँ वो इमेटेरियल, लेकिन एक मतलब तरीका जो है स्वर लगाने का वो बहुत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत इंट्रिकेसी के संग लगाया जाता है, ये बहुत हड़बड़ी नहीं है। हम लोग, मैं तो वो देखी हूँ घर में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते थे मेरे अपने अपने, जब मेरा तालीम की बात समय की बात कह रही हूँ, और पता नहीं मेरे क्या होता था, मैं गुरुजी के सामने जाते ही ब्लैंक हो जाती थी, वॉश आउट। मैं इतना मेहनत रात भर दिन भर की, जहां मेरा टर्न आता था क्लास में, उस समय जाकर उसके सामने बिल्कुल वॉश आउट हो जाता। उसका कारण आज तक मुझे नहीं मिला, मेरे गुरु जी बहुत सामने है, बहुत ही धैर्यवान है, ऐसा उनमें ना डांटना था ना बोलना था, पर पता नहीं क्या होता था, और उनको उनके सामने बैठना, और जैसे मुझे साई लगाना नहीं आता है, मैंने तो साथ उस बार सुना ही नहीं है कभी, ऐसा मेरी फीलिंग्स हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट को, स्टूडेंट का ये गुण नहीं है, ये मेरी अवगुण है, पर हो जाता था। मुझे सोचते सोचते मुझे लगता था कि वो इतने परफेक्ट है कि उनके सामने जैसे स्वर लगाना है, जो ये जो जैसे लगता था कि दृष्टता है, लगता था बापे बापे, ये तो सुन मतलब सुनते ही लगता था कि समथिंग इज वेरी क्या बताऊं। तो मुझसे इसका जवाब आज तक आपको अभी भी मैं बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी भी गुरु जी के सामने बैठ के जब गाती हूँ मैं गलत ही गाती हूँ आज की डेट में। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि मैं अपने को अभी भी स्टूडेंट ही समझती हूँ, मुझे गलत गलतियां स्वीकार कर लेना कोई कोई मुझे पाप नहीं लगता। मैं एक प्रोग्राम में गई थी, प्रोग्राम में सामने गुरु जी बैठे, मेरी गुरु माता बैठी है, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं रात गाना शुरू की थी बैरागी, और वो कब दूसरे रैग में कन्वर्ट हो गया, और मैं पूरा मैं उसमें से हटी गई। तो मैं गुरु जी, मैं घर आई तो गलत तो हो ही गया, फिर मैं टर्न की, क्योंकि अनाउंस में कुछ थी और गा कुछ और रही हूँ, तो मैं बहुत सालों की बात पहले की बात बता रही हूँ। तो मुझे तो इतना लगा ये क्यों किया, मैंने इतना प्रैक्टिस किए उस रात खुराक को, इतना प्रैक्टिस किए, और थोड़ा सा अनमाइंडफुल हुए, क्या हुए मुझे पता नहीं, मेरे रागे बदल गए। उसके बाद मुझे लगा अचानक से ये तो मृत्यु समान है, ये मैंने गुरु को सामने रख के मैंने तो बहुत गलत किया। तो फिर मैं गुरु जी की वहां ही गई सीधा प्रोग्राम करने के बाद, तो ही सो जेनरस, बोले मधुचंदा गाना गाते वक्त एक राग शुरू किए थे, तुमको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, वो तो क्या तब बोले थे कुछ स्वर का ऐसा लगा लेना चाहिए था, तुम बच जाते। मैं तब मन में सोच रही थी बच कैसे जाते, सामने आप बैठे हैं, डर के मारे तो मेरा जो भी थोड़ा बहुत वो भी चला गया। तो फिर तो मतलब क्षमा मांगना ही था कि हो गया गलती, पर बहुत यही मैं कहना चाह रही थी कि जो ध्रुपद गाते हैं, मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ इसलिए मैं बता देती हूँ, कोई आर्टिस्ट अपना गलतियां नहीं बताएगा, और बताएगा नहीं और उसको छुपा के और अच्छी तरह से और कलरफुल करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा, लेकिन गलती कभी गलत गलत ही होता है, उसको आप कितना भी कवर चढ़ा दीजिए वो सही नहीं होता है। तो आप गुरु के सामने कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु कोई नहीं जानता है, गुरु तो जान रहे हैं कि हमने गलत किया है, तो इससे इसको अपना प्योरिटी की वो होता है, अपने सॉल को प्योर बनाने का भी ये तरीका है, कन्फेस करो जो तुमने गलती किया उसको कन्फेस करो, उससे पाप नहीं है, लेकिन छुपा देने से वो आपका राग कोई अच्छा नहीं हो जाएगा, पर हालांकि बोलने से शायद वो ज्यादा सही रहेगा। जी। वैसे तो बिना तानपुरा के और बिना पखावज के आपसे रिक्वेस्ट करना कि मैडम एक बंदिश सुना दीजिए, ये नाइंसाफी है, पर अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कुछ थोड़ा सा ऐसे ही सुना सके तो बहुत अच्छा रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं सुना सकती हूँ, थोड़ा सा मैं सुर को लेना पड़ेगा सर। जी मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कितना हो सके। जी मैंने अपने गुरु जी की एक बंदिश का दो लाइन में सुना दे रही हूँ। श्यामल का बारिश का समय है,
क्या बात, क्या बात मैडम। ये द्रुपद की चारों वाणियों में डागर वाणी, जहां तक मुझे आइडिया है, वैसे मेरा बहुत द्रुपद में जानकारी नहीं होने के कारण शायद मैं गलत भी बोल रहा हूं, बट मुझे जहां तक मालूम है द्रुपद की चारों वाणियों में डागर वाणी का प्रचलन ज्यादा है। मेहनत किया और संरक्षण करने के तरीका उन लोगों को पता था, तो उन लोगों ने संरक्षण किया और आज तक हम लोग तक पहुंच गया है, यही समझूंगी। और क्योंकि डागरवाणी ऐसे प्रचार में से ज्यादा अच्छा, ज्यादा हमको अच्छा लगता है बोलने का कि उन संरक्षण करने वाले बहुत अच्छी तरह से संरक्षण किया है चीजों को पहुंचाए हैं। और मेरे गुरु जी भी यही काम, आज तक वो ध्रुपद के नाम से दो घोर पानी ज्यादा पीते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, संरक्षण जो आप बोल रही हैं, संरक्षण जो डॉक्यूमेंटेशन है, कहीं ना कहीं जो भी गायन शैली गुरु शिष्य परंपरा में जो भी चल रही है, एक ये बड़ा बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ। और मेरा तो सभी घरानों से एक अनुरोध रहेगा, मैं बहुत छोटी चीज हूँ, बट चूंकि हम डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी शिष्य को, किसी भी पर्टिकुलर घराने का, कोई भी चाहे वाद्य हो चाहे गायन हो, जो भी सिखा रहे हैं, उसमें एक कंपैरिजन होना चाहिए कि हम इस घराने में ये जरूर सिखा रहे हैं, इसकी विशेषता ये है। बाकी घरानों के मामले में यदि नहीं बताया जाएगा तो जो भी स्टूडेंट होगा उसको कंपेरेटिव एक जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान मुझे ऐसा लगता है अधूरा है। नहीं, मेरे गुरुजी के बहुत किताबें भी हैं, फिलोसफी ऑफ म्यूजिक उनका बहुत अच्छा, और एक ध्रुपद के भी वो उन्होंने और उनके फ्रेंड रिचर्ड ब्रिजेस ने मिलकर जो लिखा है, बहुत ही शानदार किताब है। मेरे हाथ तो नहीं लगा, लेकिन एक बार गुरुजी पहले छुए दिए थे, और क्योंकि तब उनके पास फर्स्ट आया है तो उसमें छूके खाली एक वो मुझे देखने को मिला था, तो फिर उन्होंने बहुत काम किया है। और दूसरी बात है उनकी उनके प्रैक्टिकल की प्रयोग की भी किताब एक ऑलरेडी है, और वो और भी लिख रहे हैं अभी, वो डॉक्यूमेंटेशन अपने हिसाब से। मैं तो गुरु जी से और ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर सकता हूँ, हमको पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।
मैं तो गुरु जी से और ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो खजाना आपको खाली छूने को मिला है वो सभी को पढ़ने को भी मिले, समझने को भी मिले। कभी गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई तो हम तो गुरु जी के पैर छू के यही बोलेंगे कि गुरु जी उस खजाने को खोलिए, बाकी शिष्यों तक, बाकी लोगों तक अगर पहुंचेगा तो हो सकता है कि ये एक अलग लेवल पे जाएगा, एक अलग ऊंचाइयों को छुएगा। अलग है, और ऐसा मुझे अपने को बहुत लकी मैं समझती हूँ कि गुरु को, मैं गुरुओं की निंदा नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत लकी रही कि मेरे गुरु जैसे शास्त्र पक्ष वैसे ही उनका प्रयोग पक्ष, तो दोनों पक्ष का तालमेल जिनके पास, जिनका जिनके पास हो तो वो तो बादशाह है उस जॉनर की, उस सब्जेक्ट की, और बहुत मतलब उनको समझाने की क्षमता अतुलनीय है। वो मुझे तो ऐसा समझाने वाला मेरे सामने तो अब तक नहीं मिला मुझे। जी जी जी, वैसे तो द्रुपद गाने वाले ही बहुत कम हैं, क्योंकि इसकी जो मतलब एक कठिन है सीखना, जो बहुत टफ है सीखना, इसके कारण मुझे लगता है बहुत कम लोग द्रुपद गा पाते हैं या द्रुपद गाने आते हैं। और इसमें भी दूसरी बात कि द्रुपद को बहुत लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा समझते हैं कि द्रुपद पर पुरुषों का ये मर्दाना गायकी है। इसमें भी मेरे गुरुजी का कहना है कि गाना गाना होता है, ना पुरुष का होता है ना स्त्रियों का होता है। गाना पुरुष अपने हिसाब से गाएंगे और स्त्रियां, नारी अपने अपने हिसाब से गाएंगे, पर हर हर विधा गाने का खुली छूट है सबको। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। वो मनगढ़ंत कुछ होता है कि इनके लिए उनके लिए उनके लिए, ऐसा हम लोग सोच के इस चीज को एक एक कवा चढ़ा देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मुझे लगता है बात है, अभी पुरुष काम करते हैं वैसा हम करने लगे तो ये करने पर नहीं रहेगा। जो पुरुष गले से, जो पुरुष कंठ से जो चीज आएगा के कंठ से वो नहीं आ सकता, वो फेमिनाइन नहीं है, वो नहीं हो सकता। उस चीज को मुझे अपनी अपनी तरह से गाना पड़ेगा, अपने अपना बॉडी जैसे अलाउ करता है, अपना स्वर जैसे अलाउ करेगा, उसको मैं कर सकती हूँ। अभी पुरुष पुरुष जिस तरह से चीज को, स्वर को लगाएंगे, अगर मैं इस तरह से लगाने की कोशिश करूँ तो ये गाने की शैली का विडंबना नहीं है, वो हम लोग गाने वालों का विडंबना। मेरे गुरु जी स्पष्ट बोल देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी नहीं गा सकते और पुरुष ही गा, पुरुष ही गा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। जी जी जी, मुझे लगता है कि जो लोग भी इसको मानते होंगे, हो सकता है इसमें एक जो वॉइस जो इसमें, क्योंकि जैसे आप शुरू में ही बोली कि इसमें वीरता भरा जो एक होता है आवाज में भी, वो जो बुलंदी होती है, शायद लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता होगा कि शायद औरतों का आवाज उतना तेज नहीं निकला होगा, पर आप लोगों को सुन के और हमने जितने लोगों को सुना है, तीन चार को तो हमने ही सुना है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ पुरुष गा सकते हैं और महिलाएं नहीं गा सकती। और हम जानते हैं तीन चार को, तो हम पर्सनली जानते हैं आप लोगों को, कि एक अच्छी गायिका जो द्रुपद गायिका है कहीं से भी कोई कम नहीं है। मैं ये क्वेश्चन था लोगों का, और लोगों की ऐसी मान्यता है, बहुत लोग ऐसा समझते थे, तो ये कंफर्म करना जरूरी था, मैं इसके लिए आपसे पूछा। और आपका भी ये मानना है कि इसमें पुरुष और महिला का कोई रोल नहीं है, जो गाना चाहे या जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। होना चाहिए। जी, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, हमको जो करना नहीं है वो नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है, कुछ गाना, कुछ राग गा रहे हैं, उसमें कुछ गाते गाते कुछ और राग में घुस गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अनाउंस कर देते वो मिश्र था, मिश्र या गलती करने के बाद मिश्र हुआ, गाना गाने शुरू करने के पहले वो मिश्र था कि शुरू करने के बाद ही मिश्र हुआ, ये आपको निर्धारित करना बड़ा कठिन काम है। तो ये मिश्र का जो एक कंसेप्ट आ गया है, जो चीज नहीं आता है वो मिश्र था। तो ये भी बहुत सारी चीज ऐसा है कि आप ऑडियंस में हंस भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, सह भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो, पर आपको आपको लुंगी तो हिलाना ही है, सिर तो हिलाना ही है, क्योंकि वो गायक गा रहा है या गायक गायिका गा रही है। तो ये जो मिश्र के कंसेप्ट हो गया है, ये बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। या तो आता नहीं है इसलिए मिश्र हो जा रहा है, या तो किस कारण से मिश्र हो रहा है वो जानना बड़ा कठिन है। तो ये जो हम लोग के शास्त्रीय संगीत में आजकल मिश्र का कंसेप्ट गुजार,
वो हम लोग अक्सर घुसाते रहते हैं, हम भी शायद कर ही रहे हैं, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन ये मिश्र ही होना चाहिए, जो होना जो भी कुछ हो शुद्ध हो, ये मेरी आंतरिक इच्छा रहती है, जी, जो भी जी, जी, शुद्ध जी, रहे, वो इतना मिक्स नहीं करना चाहिए जी। मैडम दूसरा, लोगों को अभी जो गाते हैं द्रुपद की बंदिशों को छोड़ के ख्याल गायकी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो गया, ऐसा सर, हम लोग आजकल आम का सीधा रस नहीं पीते हैं, हम लोग क्या करने जाते हैं, वो दुकान से वो छोटा पाउच खरीद के पीते हैं, उसमें ज्यादा सुख मिलता है क्योंकि वो सहज लभ्य है, आम लाइए धोइए रस निकाल लीजिए पीजिए, लंबा प्रोसेस है। तो यूं सोच हम तो ये समझते हैं कि जो चीज कठिन है वो चीज प्रेशस होता है, लेकिन वो कठिन वो धैर्य नहीं है और उसके बारीकियां समझने की इच्छा भी नहीं है मुझे ऐसा लगता है, और रुचि नहीं है, किसी को अच्छा लगता है ख्याल और हमको तो नहीं लगा, इसलिए मैं ये चीज बता नहीं सकती हूँ, ख्याल लोगों को ज्यादा प्रिय नहीं लगता है, चटकदारी के कारण लगता होगा क्योंकि क्या बताएं, ये तो मेरे तो मैं बोलने की राइट भी नहीं है मुझे, ख्याल जो लोग गाते हैं वो लोगों को अच्छा लगता होगा, ख्याल इसलिए गाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं गाती हूँ। नहीं तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है, इजी है इसके लिए गाते हैं क्या मैडम, जी ये इजी है ख्याल गाना, आप क्या मानती हैं कि वो इजी है इसके लिए लोग ख्याल की तरफ ज्यादा रुझान, ध्रुपद अगर 10 साल लगता है तो ख्याल आप 2 साल में अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मुझे मेरा मानना है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने दोनों शैली गाकर देखी हूँ, वो ज्यादा सहजता से आ जाता है, ध्रुपद नहीं आता है, ध्रुपद के लिए आपको समय देना ही पड़ जाता है, देना समय चाहिए उसके लिए, कितना कम समय में हो सकता है, मैं मेरिटोरियस नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मैं शार्प नहीं हूँ, हो सकता है मुझे समय ज्यादा लगा होगा, पर ख्याल तो थोड़ा सा तो इजी मुझे लगता है। जी 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 हो सकता वही रीजन है क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन आया है मैडम, मैं अगला क्वेश्चन लूं उसके पहले एक क्वेश्चन आया है, राजश्री राठौर जी ने भेजा है, तो मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैडम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वोकल क्लासिकल म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, आर दे सेम? वोकल जी क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। ओके, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वोकल क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत का है तो उसका दो विधा है, एक दक्षिण भारतीय एक उत्तर भारतीय। जी 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 तो यहाँ पे जी जी उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, उत्तर भारतीय कर्नाटकी कहने तो अच्छा सुनाई नहीं देता है क्योंकि जी 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 ये बता बोलेंगे तो ज्यादा तो मुझे लगता है आपके हिसाब से इंडियन क्लासिकल और हिंदुस्तानी क्लासिकल की बजाय उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत बोलना अच्छा है और होता भी वही है क्योंकि कुछ उसकी बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो उसको बाइफरकेट करती हैं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, जिसको नॉर्मली कार्नेटिक बोलते हैं, बट दक्षिण भारतीय बोलना ज्यादा उचित है देन कार्नेटिक। जी 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 तो मुझे लगता है कि आपका जो रिप्लाई है उससे जो आपने पूछा था वो बहुत सटीक रहा। और दूसरी चीज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत पुरानी गायकी है जो हमारा शास्त्रीय संगीत जो ध्रुपद है ये बहुत पुराना है, तो जो पहले गाया जाता था जैसे मुगलों के आने के बाद हमने सुना है कि उसमें ढेर सारे तोड़ मरोड़ किए गए, ध्रुपद में भी शायद ऐसा कुछ था, तो वर्तमान और प्राचीन ध्रुपद गायकी में क्या बदलाव आया है?
प्राचीन तो मैंने सुना नहीं, और वर्तमान में जिन लोग का सुनी हूँ, अपने गुरु जी का, अपने उस्ताद का सुनते रहती हूँ, और गुरु जी के दो गुरुओं का सुनती हूँ, और जो लोग गा बजा रहे उनका सुनती हूँ। प्राचीन का तो मेरे पास कोई पिक्चर तो है नहीं, पर उसको मैं बता भी नहीं पाऊंगी। और दूसरी बात है, अभी जो सुनती हूँ, जो अभी आ रहा है, जो सुनाई देता है, वो मुझे शास्त्रीयता कम और नाटक ज्यादा लगता है। मतलब अभी की जो ध्रुपद का, बड़े बड़े लोगों की बात मैं नहीं करूँ, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स है, मतलब यंग जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वो शास्त्रीयता कम और नाटक ज्यादा मुझे दिखाई देता है। वो गाना कुछ भी हो पर गेटअप से ही होना चाहिए। तानपुरा एक की जगह पर तीन हो जाए कोई हर्ज नहीं है, पर तानपुरा मिला हुआ रहना है, ना रहे कोई हर्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जिंदाबाद, इलेक्ट्रॉनिक रहना ही चाहिए। वो तानपुरा क्यों पीछे रहता है वो भी मुझे समझ में नहीं आता। तो ये बहुत सारी बातें आती है कि आपकी ही मंच से मैं कह रही हूँ, जो मैं मुझे इतना दिन के एक्सपीरियंस जो मैं सुनती आ रही हूँ सबका। तो ये जो यंग जनरेशन का गाने बजाने की जो स्टाइल है, उसको प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है, वो गाना मुझे कम दिखता है, अनुसंगिक ज्यादा दिखता है। जैसे तानपुरा बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए, वो भले ही पीछे जो बैठ के बजा रहा है वो तार से आवाज भी नहीं निकल रहा हो, सामने एक इलेक्ट्रॉनिक से ही उसी की आवाज से गाया जा रहा है, साफ साफ समझ में भी आता है। और ऐसा चीजें हो रही है, तो उन लोगों के गुरुओं को आपत्ति नहीं है, तो मैं कौन होती हूँ आपत्ति करने वाली। तो पुराने तो मैंने सुना नहीं, लेकिन मुझे अपने गुरुओं का जो सुन रही हूँ, मैं जो सीखी हूँ, उससे तो मुझे उन्हीं लोगों का उत्तम लग रहा है, उसके पहले वाला तो और अच्छा रहा होगा। जी जी, बहुत देखिए, ई मंच पर बोलना और हमारा पर्पज भी यही होता है कि आप जैसे लोग जब ई मंच पर आते हैं और इतनी बेबाकी से बोलते हैं, वही हमारा एक्चुअली हमारी संपत्ति है। जो आप बोल के जाते हैं और इतनी बेबाकी से बोलते हैं, शायद हमारे दर्शकों को जो हम सुनाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम अंदर की बात जो एक्चुअल रियल है, यहां जब आप लोग दिल से बोलते हैं तो जो एक्चुअल है, बिना किसी उसमें बदलाव के, बिना किसी चिकनी चुपड़ी बातों के, जब हम दिल से बोलते हैं तो वही चीज तो हमारी एक संपत्ति है जिसको हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो बहुत ऐसा अच्छा लगता है, तो उसमें कोई भी ये नहीं है कि आपने ऐसा क्यों बोला, और मैं क्षमा भी चाहूंगा, तो क्षमा भी मांगूंगा ऐसे लोगों से, यदि किसी को हमारे चर्चा से या कहीं से भी, किसी से भी, हमारे गेस्ट से अगर ऐसी कोई बात निकलती, एक्चुअली किसी को दुख पहुंचाने का पर्पज नहीं है जी, पर जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, वो कहीं गुम ना हो जाए। हमारे जितने पुराने गायक हैं, हमारे जो सांस्कृतिक संपत्ति हैं, संपदा हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है, जिसके लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया जानती है, पहचानती है, वो कहीं इस मिक्स के जमाने में, दिखावे में अपना ओरिजिनलिटी ना खो दे। शायद ये दिल की बात इसके लिए निकलती है। और नई जनरेशन से एक रिक्वेस्ट भी होता है कि जब आप बजाएं, जब आप करें, तो जरूर आप अपने हिसाब से करें, बट जो जब आप ओरिजिनल राग पे या ओरिजिनलिटी उसका जरूर दिखाएं, उसको जरूर मेंटेन रखें। मैडम, मैं आपसे अभी जी क्रेडिट आप लोग को जा रहा है कि आप लोग ने ई मंच के जरिए इतना बोलने का मौका दिया है, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटी कद की इंसान हूँ, मेरा इतना औकात भी नहीं है, पर मैं इतना ही चाहती हूँ जितना करूँ, थोड़ा बहुत जो भी करूँ वो सही रहे, बस इतना ही मेरे प्रार्थना ईश्वर से होता है, और बाकी तो चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है उसमें तो। जी जी जी, वैसे तो जैसा हम जानते हैं कि जब हम ध्रुपद गाते हैं तो तानपुरा और पखावज, ये दो मेन वाद्य यंत्र होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या यूज किया जा सकता है या किया जा सकता है? मैडम, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को जरूर, तो बैठ जाते हैं
लेकिन आजकल लोगों को, आज के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हारमोनियम हम लोग की देश का इंस्ट्रूमेंट, हम लोग नेचुरल स्केल में गाने वाले इंसान, हारमोनियम हम लोग की इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है एक बात। दूसरी बात, आधा से ज्यादा तो क्लासिकल म्यूजिक के नाम पे आधा से ज्यादा तो हारमोनियम गाता है, हम लोग तो कम गाते हैं, हारमोनियम ज्यादा गाते हैं। तो जी, ये जी. जो एक चल गया है परंपरा, हम ये इच्छा रहती है कि हारमोनियम कम गाए हम लोग ज्यादा गाए, लेकिन ऑन स्टेज में बाबा हारमोनियम वालों को बहुत ज्यादा मिलने लगती है क्योंकि उनको इतना ज्यादा बजाना पड़ जाता है गाने वाले के प्रोफेशन से। तो ये भी एक एक गजब ही लगता है कि एक तो ये ध्रुपद में ये नहीं चलता, हारमोनियम नहीं चलता है, पर लोग आजकल लेते हैं सारंगी वीणा सबकी संगति है, पर लोग आजकल बोलते ना कि मॉडर्न मॉडर्न होने के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ बहुत चीज को छोड़ देते हैं, तो इतना भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि अपना नाम ही भूल जाए। जी 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 जैसे आजकल जो बेस बांसुरी आती है मैडम, बेस बांसुरी जो होती है वो शास्त्रीय संगीत में बहुत यूज होने लगा है आजकल, तो क्या ध्रुपद में भी उस फ्लूट का यूज किया जाता है? हाँ, फ्लूट का मुझे जो बेस बांसुरी जो होती है, पर स्केल के प्रॉब्लम हो सकता है, और बांसुरी की संगति तो होती है लाइट म्यूजिक की, तो होती है बांसुरी को लाइट म्यूजिक के संग बहुत पड़ता है। जी 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 और बांसुरी स्वतंत्र स्वतंत्र वाद्य के रूप से भी बजाते हैं। जी जी, मैं चाहूंगा आप इतना स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं तो जी? आपका कोई एक आप इतने स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं ध्रुपद में जी, और गाती रहती हैं, तो मैं आपसे कुछ आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है मतलब ध्रुपद गायन में, क्योंकि नॉर्मली जब बाकी लोग मंच पे जाते हैं। जी, मैं मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं वृंदावन में गई थी गाना गाने जी, और काशीराज यहाँ के जो काशी नरेश है उनके उनकी बहन उस प्रोग्राम में वो लोग थे। जब मैं गाना गाने करने के बाद गाने से गाना गा के उतरी तो वो आई मेरे पास, आके बोले आप बनारस के ऋतिक सानिया जी के स्टूडेंट है क्या? हम बोले मैं अचानक से मुझे मैं जरा सा वो हो गई, इतना तो मैं अच्छी तरह से मैं गाती नहीं, तो उनको एकदम से लग गया है कि मैं सानिया जी की स्टूडेंट हूँ। तभी मन में एक बार एक गर्व अनुभव हुआ कि थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा ठीक गाई हूँ शायद, तभी उन्होंने मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया कि मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये मैं बोल ये तब लगता है कि थोड़ा सा गुरु कृपा शायद है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस था वृंदावन गाने गई थी तो एकदम से आई आके हमको बोली कि आप उनके स्टूडेंट हैं क्या। अच्छा, और एक चीज मैं नहीं कर पाती हूँ, लोग जितने बार गुरु के नाम लेते हैं उतने बार कान पकड़ते हैं, मैं तो गर्व से गुरु के नाम लेती हूँ तो मैं इसलिए कान नहीं पकड़ती हूँ, इसलिए भी कुछ बहुत ऑडियंस को बुरा भी लग सकता है कि ये 7 बार गुरु के नाम ले रही है लेकिन कान नहीं पकड़ रही है, क्योंकि कारण यही है मैं अपने गुरु के नाम पर श्रद्धा से लेती हूँ गर्व से लेती हूँ, इसलिए मैं कान नहीं पकड़ती हूँ। मैं गुनाह तो कर तो नहीं अपने गुरु के नाम में श्रद्धा से लेती हूँ, इसलिए मैं कान पकड़ती नहीं हूँ। बहुत हम देखते हैं अक्सर गुरु के नाम लेते तो 2 बार लेते तो 7 बार कान पकड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम गर्व से लेते हैं गुरु के नाम, कान क्यों पकड़ते हैं? गुरु को डांटना है गुरु डांट देंगे सामने जब जब पढ़ूंगी, उसमें भी कान क्यों पकड़ना है उनको? मैं श्रद्धा की अनुभूति होती है मुझे अगर ना कान पकड़ती वो मैं जरा सर ये इसमें किसकी फेर में नहीं नहीं ये आपने बहुत अच्छा क्लेरिफाई किया मैडम, ये आपने बहुत अच्छा किया क्लेरिफाई किया, ये बात मेरी दिमाग में भी आ रहा था, ये बात मेरे दिमाग में भी आ रहा था, तो अच्छा हुआ आपने क्लेरिफाई किया। मैं इसमें एक स्टेप थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा, हाँ हाँ और किस पकड़ते हैं मुझे पता नहीं है, पर मैं नहीं पकड़ती हूँ, मैं बड़ा गर्व से सम्मान से नाम लेती हूँ, तो मुझे कान पकड़ने की इच्छा नहीं होती है। कभी गुरु जी ने कभी आपके गुरु जी ने इस पे टोका नहीं मैडम?
मतलब गुरु जी को जी? कभी गुरु जी ने इस बात के लिए कभी आपसे चर्चा किया या कभी टोका हो या कभी कुछ अप्रिशिएट किया हो, आपने अपनी विचार गुरु जी के सामने रखा हो कि मैं कान नहीं पकड़ती क्योंकि मैं श्रद्धा से नाम लेती हूँ, तो कभी इस मामले में आपके गुरु जी से भी ये बात कर दी? ऐसे मैं मन ही मन देखती हूँ और मैं ये मन पहली बार आपके मंच से ही मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ या बताई हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, कि मैं गर्व से गुरु का नाम लेती हूँ। सो नाइस। और मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आप चाहे जैसे करें, चाहे जिस अनुसार से करें, एक अंदर दिल से श्रद्धा होनी बहुत जरूरी होती है। और जो आपने पहले ही कहा कि गुरु के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, अभी एक और क्वेश्चन आया है, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, उसके पहले सुजाता शुक्ला जी ने क्वेश्चन पूछा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि सुजाता जी ने पूछा है, क्योंकि सुजाता जी हमारे ई मंच से भी जुड़ी हैं। और सुजाता जी के मामले में मैं आपको भी बता दूं कि वो दूरदर्शन की और आकाशवाणी की उद्घोषिका भी हैं और काफी नॉलेज रखती हैं। ध्रुपद गायन की विधिवत शिक्षा आपने किस उम्र से शुरू की? गाना तो मैं बचपन से ही सीख रही हूँ, लेकिन वो आपको मैं पहले में बता दी थी कि गाना सीखना है, ये मेरा प्रश्न होता था। गाना सीख के गाना है तो मेरे ताऊजी तो हार के ऊपर चले गए। फिर मैं विधिवत शिक्षा मैंने लिया 2004 से। क्या बात। हम गुरु जी के यहाँ जब मैं बीएचयू से किए, बीएमयूज जब करने आई तो मैं मास्टर डिग्री के बाद गुरु जी हमको बोले जो कॉलेज में सीखे हो कुछ नहीं सब भूल जाओ। अभी सारे गमन से मैंने सीखा और मैंने कभी पूछा नहीं उनको। 5 साल मुझको उन्होंने यमन और भैरव, उसके बीच में कोई भी चीज एंट्री नहीं दिए, कोई भी मैंने कभी पूछा भी नहीं कि ऐसा वो ऐसा एक मतलब घटना भी घट गया था। हमको मेरे क्लास में और कुछ लोग सीखना चाह रहे थे, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो उनमें से एक जन ने पूछ दिया कि मेरे एक साथ सीख रहे थे, एक दिन पूछ लिए कि आप तो, हम लोग खाली यमन ही गाएंगे क्या? तो गुरु जी कुछ बोलते नहीं थे, वो वहां से उठ के गायब हो गए, बाहर चले गए, कहा क्या हो गया पता नहीं। तो 9 बज गया, फिर वो उस लड़की की मम्मी भी साथ में आती थी तो वो लेके चली गई। मैं तब तक उठी नहीं, मैं तो तानपुरा बजा ही जा रही हूँ, मैं मुझे तो लग गया है कि गुरु जी को ये चीज बुरा लगा होगा। तो फिर वो माँ बेटी तो चली गई, फिर गुरुजी आए तो मैंने बोला कि गुरुजी सॉरी, हमने नहीं पूछा है, तब मैंने सॉरी बोला। तब बोले 15 मिनट, फिर हमें फिर गुरुजी हम ये भी नहीं बोल रहे, मैं ये नहीं बोल रही थी कि तानपुर रख दूँ क्या, वो भी नहीं बोल रही थी मैं। तो मेरी गुरु माता बाहर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और वो आके फिर से बैठ गए मेरे गुरु जी, आके बोले हाँ आप तानपुरा चलो जाओ। फिर मेरे गुरु माता बोले 9:15 हो रहा है, उसको जाने दो। तो बोले तो कुछ उत्तर नहीं दिया उन्होंने, तो 10 मिनट वो हमको गवाए, उसके बाद बोले तानपुरा रखो, फिर मैं घर गई। तो मुझे मेरी बोलने की आशा यह था कि मैंने गुरु को बोली, आज तक मैं नहीं बोलती हूँ कि गुरु जी आप हमको क्या सिखाएंगे, आज की डेट पे मैं नहीं बोलती हूँ। कभी कभी अभी भी मैं सीखने जाती हूँ, पर ये नहीं मुझे बोलने का अभी भी हुआ है कि मुझे ये सीखना है या तो मुझे ये सिखा दीजिए, आज तक मैंने नहीं बोला। क्या बात। कभी 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 क्या हमेशा ही बड़ा गर्व होता है आप लोगों के ऊपर कि शायद ये जनरेशन शायद फिर वापस नहीं आए, जो इतनी श्रद्धा इतनी शिद्दत गुरु के प्रति रखते हैं। क्योंकि आजकल तो हमने देखा है कि बच्चा जाता है और सबसे पहले अपनी डिमांड रखता है कि क्या सीखना है। आपने आज तक गुरु को, मैं ये बोल रहा हूं कि शायद आपकी जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन अभी आप सबकी जनरेशन है, ये जनरेशन ऐसी जनरेशन फिर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक आप जगत है।
आज तक है, परिवर्तन बहुत है, बहुत परिवर्तन, परिवर्तन बहुत है, परिवर्तन होता रहेगा। जो गुरुजी हम लोग आज तक पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं गुरुजी को, आज ऐसे भी लोग आजकल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, तो लोग आते हैं गाना सीखते हैं, सीखने से ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं, सीखना कम रिकॉर्ड ज्यादा, घर जाके कर लेंगे ये सोच से। और मेरे आज तक हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं पूरा बैग ही बाहर रख के जाती हूँ कि मैं ना कभी रिकॉर्ड करना, तो बहुत दूर की बात है, गुरुजी ने मुझे स्ट्रेटली मना कर दिया था कि नहीं लिखोगे। तो जितना भी थोड़ा बहुत गा रही हूँ वो नहीं लिखने के कारण गा रही हूँ, जिस दिन से लिखना शुरू शुरू हो जाएगा शायद गाना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आजकल आजकल परिस्थिति ऐसा है कि स्टूडेंट्स लोग के मांग भी शायद मुझे लगता है कि आजीविका भी चाहिए, तो इन लोगों का शायद कम समय में बहुत ज्यादा पाने का इच्छा रहती है, वो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। और गुरु गुरु लोग भी जब धीरे धीरे उम्र बढ़ता जाता है, रिलेक्टेंट भी ज्यादा हो जाता है, चलो कर रहा है करने दो, लेकिन हम लोग के समय गुरु जी इतना रिलेक्टेंट नहीं थे, अभी वो बहुत रिलेक्टेंट है। और हम लोगों की जिस बात पे उनको गुस्सा आता था वो आज के बच्चों की बात से उतना नहीं आता है, वो बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, पर हम लोग के समय ऐसा नहीं था। तो ये अच्छी बात है, मैं तो उसको ब्लेसिंग समझती हूँ। अगर कैजुअल होते तो शायद जो तिजोरी थोड़ा बहुत भरा हुआ है वो भरा हुआ शायद नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जब गुरु 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 हमको हमेशा से मैं एक तत्व मानती हूँ कि गुरु को जब मैं सीख रही हूँ तो मैं मजाक कभी नहीं समझती। ये मजाक मैं आज तक उस चीज को बहुत लाइटली मैंने नहीं लिया, मेरी वृत्ति भी नहीं है खैर, पर ये जो है समय की मांग है, परिवर्तनशील जगत है, होता रहेगा, मानना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, और आपको अत्याचार सहना भी पड़ेगा। जी जी, ये सब सब अभी ये रहेगा, ये छोड़ के हम नचा नहीं सकते। जी जी मैडम, चूंकि समय भी कब एक घंटे बीत गए हमको पता भी नहीं लगा और समय भी लगभग समाप्त होने को है, आशुतोष भट्टाचार्य जी का एक रिक्वेस्ट आया है कि प्लीज थोड़ा यमन राग जरूर सुनाइएगा, वो अगर हो सके तो, अगर हो सके तो आप जरूर सुनाइएगा। सर मैं बताऊं, ये मेरे गुरु भाई है। अच्छा अच्छा, हम एक ही गुरु के शिष्य है, शायद वही बोल रहे हैं मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि पर उससे पहले आशुतोष भट्टाचार्य जी, पर उससे पहले मैं आज के लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि आप नई जनरेशन को, जो नए लोग सीख रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी कि द्रुपद के प्रति उनका लगाव बने और वो द्रुपद पर कोशिश करें गाने की, इस टफ संगीत, रॉयल संगीत, आपके शब्दों में रॉयल संगीत को सीख सकें। जी, मैं सर मैं अपने को सुझाव देने की हकदार नहीं समझती हूँ, क्योंकि आज तक मैं अपने को स्टूडेंट मानती हूँ, तो सुझाव मैं इतना दूंगी कि पहले जैसे हम लोग के समय गुरु जी बोलते थे भैया द्रुपद ही गाना है और कुछ नहीं गाना है, लेकिन गुरु का भी वो बदल गया है परिस्थिति से, क्योंकि अभी अलाव करते हैं कि भाई गाओ सब सब कुछ, हमको नहीं अलाव किए वो। अगर मैं अगर कहूंगी कि आज तो भजन गा के आऊँ, उनको नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता है कि पर हम लोग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, और मुझे मेरा तो रुचि ही नहीं है खैर, मेरा मैं तो अपने को गिनती में ही नहीं लाती हूँ, पर अगर चाहते तो गुरुजी उस चीज को बहुत बहुत इच्छा से इसको प्रश्रय नहीं देते, मुझे ऐसा मुझे वो था, मुझे विश्वास था, पर आज परिस्थिति के इतना मांग है, उन्हीं के स्टूडेंट बहुत लोग बहुत सब कुछ गा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते हैं, परिवर्तनशील जगत है, इसलिए आपको अभी सब कुछ मान लेना पड़ेगा। आप इसके अलावा मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जाने अनजाने में गुरु के संग गलती हो जाता है, बट जान के अगर गुरु की इच्छा अनिच्छा की आपको कदर ना करें, ये पाप समान है मुझे लगता है। बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल,
जितना जिसको जितना समर्थ है वो उतना रियाज करे, जिसको जितना करने का सुविधा है वो उतना करे, उतना ही सजेशन दे सकती हूँ। और मैं तो सजेशन देने लायक भी अपने को नहीं समझता, क्योंकि मुझे अपने को अभी भी लगता है मुझको कुछ भी नहीं आता है। तो मेरा क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होता है मैडम, आप राग यमन अगर थोड़ा सा सुना सकती हैं तो प्लीज सुनाइए, और आज के कार्यक्रम की समाप्ति हम यहीं करेंगे। घमार का दो लाइन सुना दे रही हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और मुझे आपने मुझे सुना है और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि आपकी मंच से मैं कुछ बोल पाऊँ। किसी को अगर दुख हुआ तो वेरी सॉरी कि स्पष्ट बोलना मेरी फितरत है, बिना बोले मुझे स्पष्ट बोले रहा नहीं जाता। सो वेरी सॉरी इफ आई हर्ट एनीवन,
थैंक यू सो मच. आज का कार्यक्रम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त करता हूं, क्योंकि समय भी हो चुका है और आपने समय निकाला कि दर्शकों तक, संगीत प्रेमियों को आपने अपने मन की बात, और ये ध्रुपद के मामले में जो एक हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही पुराना और अभिन्न अंग है, जिसके मामले में आपने इतनी सारी जानकारियां दिया. अगले संडे 8:30 बजे हम फिर आप सभी के साथ प्रस्तुत होंगे. और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके समय के लिए, आपने समय दिया और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई. शुभ रात्रि.